नमस्कार आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इस नए सर्वे के बारे में जानेंगे। शायद आपको भी ये नया सर्वे दिया गया होगा, तो आखिर इस नया सर्वे को कैसे बनाएंगे, बनाने से पहले कौन सी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। हम जानेंगे कि आखिर इस सर्वे, ये जो नया सर्वे आपको दिया गया है, इसको कैसे बनाएंगे आप, और साथ ही साथ इसको बनाने से पहले कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसमें जो नियम बताया गया है उन सभी नियम के आधार पर अगर आप इस सर्वे को बनाएंगे तो कोई भी जो है आपके सर्वे को गलत नहीं ठहरा पाएगा। इसलिए चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से नियम इसमें बताए गए हैं इसको बनाने के लिए। उन सभी नियमों के बारे में हम जानते हैं, कौन से दिशा निर्देश दिया गया है सर्वे को बनाने के लिए, उन सभी दिशा निर्देशों को हम लोग देखते हैं। तो चलिए उसके लिए हमारे साथ वीडियो को पूरा देखिए। चलिए जानते हैं कि कौन सा दिशा निर्देश दिया गया है। सबसे पहला पेज जब आप पलटेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप अपने सर्वे में खुद देख सकते हैं, ठीक है। अपने पास अगर आप सर्वे रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो सबसे पहले पहला जो पेज है उसमें लिखा होगा सर्वे पंजी भरने हेतु सामान्य निर्देश, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। नंबर वन पे दिया गया है प्रत्येक टीकाकरण सत्र के लिए एक पंजी का उपयोग किया जाएगा, यानी हर एक क्षेत्र के लिए और हर एक सत्र के लिए जो है एक ही पंजी का, यानी कि एक ही सर्वे प्रपत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, सभी कॉलम को स्पष्ट रूप से कलम से भरा जाना है, आपको सभी जो है कॉलम को कलम से भरा जाना है, ये बात कहा है। तीसरा बात, प्रत्येक वर्ष एक बार सर्वे का कार्य चूल्हे बार किया जाना है। अब मान के चलिए कि आप किसी घर में गए, घर में जो है एक बूढ़ा है, उसका दो लड़का है। मान के चलिए कि दोनों लड़का में से एक लड़का अपने पिताजी की तरफ है, लेकिन एक लड़का जो है वो अलग है, वो यानी कि अलग है, ठीक है, अपने परिवार से अलग है, वो अलग खाता है और उनका चूल्हा जो है अलग जलता है। तो ठीक उसी प्रकार वहां पर क्या करना है, उसको एक, उस फैमिली को एक नहीं बनाना है, उसका पिताजी के साथ जो जो है वो एक फैमिली बनेगा, उसका जो लड़का अपने पिताजी से अलग हो गया है उसका दूसरा बनेगा, यानी कि अब वो एक फैमिली नहीं हुआ, वो दो फैमिली हो गया। तो इसी तरह कहा गया है कि चूल्हे बार जो है आपको सर्वे किया जाना है। उसके बाद चौथा, प्रत्येक महा टीकाकरण सत्र से पहले और सत्र के बाद इसे अद्यतन अवश्य करें, यानी कि जब भी टीकाकरण हो तो टीकाकरण करने से पहले आपको इसको अपडेट करना चाहिए, टीकाकरण होने के बाद भी आपको इसको अपडेट करना चाहिए। जैसे टीकाकरण हो गया तो कौन सा बच्चा को कौन सा टीका पड़ा उस डेट को इस सर्वे परपत्र में भरना होना चाहिए, कौन सा जो है बच्चे को कब कौन सा, कौन सी जो है गर्भवती महिला को कब कौन सा जांच हुआ, वो जांच भी भरना इसमें अनिवार्य है। तो इसलिए कहा गया कि टीकाकरण से पहले और टीकाकरण के बाद इसको अपडेट करना बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद इस प्रपत्र में अस्थायी रूप से रहने वाले लाभार्थी का ही नाम दर्ज किया जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति, जो पर्सन जो है अस्थायी रूप से यानी हमेशा के लिए यहां पर रहेगा उसी का नाम इस पर दर्ज किया जाएगा, जो परमानेंटली यहां पर रहेगा उसका नाम ही इस सर्वे प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि कोई लाभार्थी 3 माह से अधिक समय तक रहता है तो उसका नाम जो है इस पंजी में भरा जाएगा, यानी कि 3 माह से अधिक समय तक अगर कोई यहां पर रहता है तो उसका ही नाम यहां पर दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद यदि लाभार्थी टीकाकरण दिवस के दिन, 7वें नंबर पर, यदि लाभार्थी टीकाकरण दिवस के दिन या 3 माह से कम समय के लिए आता है तो उसका नाम ड्यू लिस्ट में दर्ज करते हुए सर्वे रजिस्टर के अंत में दिए गए मेहमान लाभार्थी के पृष्ठ में अंकित करें, यानी कि अगर कोई लाभार्थी टीकाकरण दिवस के दिन आपके क्षेत्र में टीकाकरण हो रहा है और टीकाकरण के दिन जो है कोई बाहर से लाभार्थी आ जाता है या फिर 3 माह से कम समय के लिए अपने मायके में आती है तो उन लाभार्थियों का नाम जो है ड्यू लिस्ट में स्टार लगाकर लिखने के साथ साथ आपको उनका नाम जो मेहमान की सूची है, ठीक है, मेहमान यहां पर एक सूची आप लोगों को आपके सर्वे प्रपत्र के अंत में दिया गया है तो वहां पर उनका नाम दर्ज करना है, मेहमान लाभार्थी, लाभार्थियों की विवरण, ठीक है। तो उन लाभार्थियों का नाम जो है आपको इस सर्वे प्रपत्र के लास्ट वाले पेज में लिखना है। क्या कहा,
कि कोई लाभार्थी आपके यहाँ टीकाकरण चल रहा है और जो है टीका लेने के लिए वो यहाँ पर आ गया है, तो उसका नाम जो है आपको स्टार दे करके ड्यू लिस्ट में दे देना है, जो टीका उनको पड़ना है वो उनको दिलवा देना है। और साथ ही साथ कोई लाभार्थी अगर 3 माह के लिए आपके क्षेत्र में आता है तो आप जो है उनका नाम मेहमान विवरण की मेहमान लाभार्थी विवरणी की सूची में आपको उनका नाम भी लिख देना है, यानी कि सर्वे परपत्र के अंतिम पेज में, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर, लाभार्थी को दिए गए टीके की तिथि को संबंधित कॉलम में अंकित करें। सेम वही जैसे कि मैंने कहा कि टीकाकरण जैसे ही होता है तो टीकाकरण में जो टीका पड़ा उस बच्चे को जिस तिथि में जो टीका पड़ा उस डेट को वहां पर उस संबंधित कॉलम में भरना अनिवार्य है। उसके बाद 9 नंबर, किसी लाभार्थी ने कोई टीका कहीं बाहर से लिया हो तो भी टीका की देय तिथि अवश्य अंकित करें। यदि आपके क्षेत्र का लाभार्थी कहीं बाहर चला गया है और बाहर जाकर अगर कोई टीका ले लेता है तो जब वो आपके क्षेत्र में पुनः वापस आता है अपने यहाँ, तो उनके जो है सुई वाला जो कार्ड होता है, जो टीकाकरण कार्ड होता है, उस टीकाकरण कार्ड से उस बच्चे ने वहां पर जो जो भी टीका उन्होंने लगवाया है, या फिर गर्भवती महिला ही क्यों ना हो, जो जो टीका जिस डेट में लगवाया है उस डेट को आपको जो है जो टीका जिस डेट में लगाया है उस टीका को आपके इस सर्वे परपत्र में भर देना है, यानी कि उस बच्चे का नाम आपके सर्वे परपत्र में होगा, तो जो जो टीका वहां पर ले लिया है उन टीका को यहाँ पर आपको भर देना है। तो ये बात कहा गया, अगर बाहर भी लिया है तो आपको भर देना है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर, किसी पंजी को प्रतिमाह अद्यतन किया जाना, यानी इस पंजी को हर एक महीना जो है इसको अपडेट किया जाना है, एवं नए चिन्हित घरों एवं लाभार्थियों को क्रमशः आगे के कॉलम में जोड़ा जाना है। यानी जो है पंजी में प्रति इस ये जो आपका जो फैमिली घर घर सर्वे हेतु परपत्र है इसको हर महीने अपडेट करना अनिवार्य है। अपडेट करना अनिवार्य इसीलिए है क्योंकि हर माह जो है आपके जो गर्भवती महिलाएं हैं वो प्रसव होती हैं, तो उनको आपको अपडेट करना होता है। उसके बाद उनका जो है अगर उनका बच्चा हो गया तो 0 से 1 माह के बीच में उस घर में जो है एक बच्चा आएगा तो उसको भी आपको भरना है, यानी कि हर एक माह इसको अपडेट करना जो है घर घर सर्वे परपत्र को आपको जरूरी है। और जो नया बच्चा होता है उसका नाम फिर आगे वाले बच्चों की विवरणी में आपको जोड़ना भी आवश्यक है। उसके बाद 11वां नंबर, सर्वे के दौरान जिस घर में गर्भवती 0 से 5 वर्ष के बच्चे पाए जाएंगे केवल उन्हीं घरों का क्रम संख्या के साथ घर संख्या दर्शाकर गर्भवती एवं बच्चों का विस्तृत विवरणी आगे के पन्नों में भरा जाएगा। यानी जब आप सर्वे करेंगे तो सर्वे करने के दौरान जिस घर में 0 से 5 साल के बच्चे होंगे उनका नाम ही, बच्चों की विवरणी जो दी गई है इसमें आपको, उन बच्चों की विवरणी में उनका नाम दर्ज होगा। और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाओं की विवरणी है, अगर उस घर में गर्भवती महिला है तो उसका नाम भी दर्ज होगा, तो यह बात याद रखना है। उसके बाद 12वां नंबर, यदि किसी घर में 1 से अधिक गर्भवती 0 से 5 वर्ष के बच्चे पाए जाते हैं तो उनका विस्तृत विवरणी एक ही साथ एक ही घर संख्या को दर्शाते हुए अलग अलग लाइन में भरा जाएगा। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है अगर 0 से 5 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, अगर 0 से 5 साल का कोई बच्चा है तो वहां पर आपको कॉलम दिया गया है 0 से 1 माह, 1 माह से 1 वर्ष, 1 वर्ष से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 5 वर्ष, तो यानी कि जिस तरह जिस उम्र का वहां पर बच्चा होगा उसी आधार पर उस कॉलम को आपको 1 लिख देना है, अगर नहीं होगा तो 0 लिख देंगे या फिर डैश लगा देंगे। अगर लाभार्थी है गर्भवती महिला है तो 1 दर्शाएंगे, अगर गर्भवती महिला जैसे ही प्रसव हो जाती है तो उसको मिटा करके फिर आपको डैश कर देना है या फिर 0 कर देना है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर, सर्वे अपडेट के क्रम में किसी घर में नई गर्भवती नए नवजात शिशु मिलने पर पहले से जो घर संख्या आवंटित है उसी घर संख्या को घर घर सर्वे के खाली घर संख्या में लिखते हुए उसकी विस्तृत विवरणी जो है आगे भरा जाएगा। यानी कि अगर नई गर्भवती होती है तो गर्भवती महिलाओं की जो विवरणी है वहां पर जो है उस घर संख्या को दर्शाते हुए उस गर्भवती महिला का नाम दर्ज करना होगा। और उसके बाद जो है जो महावारी की तिथि होती है उसके बाद फिर आगे का जो है टीटी फर्स्ट, टीटी सेकंड या फिर टीटी बूस्टर, पहला जांच, दूसरा जांच, तीसरा जांच, ये सारा जो है इसमें भरा जाएगा, ठीक है। तो अब 13 नंबर में,
13 नंबर में लिखा हुआ है, सर्वे अपडेट के क्रम में किसी घर में नई गर्भवती नए नवजात शिशु मिलने पर पहले से जो घर संख्या आवंटित है उसी घर संख्या को घर घर सर्वे के खाली घर संख्या में लिखते हुए उसकी विस्तृत विवरणी को आगे भरा जाएगा। ठीक है, तो ये आगे के पढ़ने में आपको लिखना है। उसके बाद 14 नंबर, क्षेत्र में आए हुए मेहमान लाभार्थियों की विवरणी पंजी के अंत में दिए गए पृष्ठ पर भरे, यानी क्षेत्र में अगर आपके क्षेत्र में कोई मेहमान लाभार्थी आया है तो उसकी विवरणी पंजी के अंत में जो दिए गए पन्ने हैं वहां पर आपको भरना है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कि आप देखेंगे मेहमान के लाभार्थियों में, तो देखिए वहां पर क्रम संख्या है, घर संख्या है, मेहमान लाभार्थी का नाम है, लिंग स्त्री पुरुष, पिता का नाम, उसके बाद अभिभावक का पहचान संख्या, देह टीका, बहुत सारे कॉलम दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है गर्भवती महिला के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, जो टीका उनको दिया जाता है उस टीका का विवरण आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ दिशा निर्देश हैं। और एक बात, जब आप सर्वे करते हैं तो जैसे कि सबसे पहले घर में गए, पहले घर में आपको जो बच्चा मिला 0 से 5 साल के बीच का, वो बच्चों की विवरणी में नंबर 1 पर आना चाहिए, यानी पहले आना चाहिए। उसी तरह से अगर उस घर में गर्भवती महिला भी मिली तो वो पहले आना चाहिए, गर्भवती महिलाओं की जो विवरणी है उसमें वो सबसे पहले आना चाहिए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिस क्रम से आप सर्वे कर रहे हैं उसी क्रम से आपके बच्चों की विवरणी भी हो, उसी क्रम से आपकी गर्भवती महिलाओं की विवरणी भी हो, यानी कि एक सीरियली से आना चाहिए, एक सीरीज के आधार पर। ठीक है, जिस तरह से आप घर घर सर्वे कर रहे हैं, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, उसी तरह से जिस जिस घर में आपको मिल रहा है उस घर में जो 0 से 5 साल के बच्चे मिल रहे हैं तो उनका नाम भी आपको दर्ज करते जाना है, अगर गर्भवती महिला भी मिल रही है तो उनका नाम भी आपको दर्ज करते जाना है। तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। अब यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है कि आखिर इसको आगे जो है कैसे भरेंगे, तो बाकी वही सेम प्रोसेस है जिस प्रकार पहले आप करते थे, सेम वही है, बाकी इसमें एक नया अपडेट आया है। ठीक है, और नया अपडेट ये है कि अब यहाँ पर आपको बच्चे के पिता का आधार नंबर के साथ साथ उनकी जन्म तिथि भी आपको डालनी पड़ेगी। तो चलिए हम आपको कुछ जो है दिखा देते हैं किस तरह से आपको करना है। जैसे कि घर घर सर्वे हेतु सर्वे पत्र हमारे पास है। ठीक है, तो ये जैसे कि देखिए परिवार के मुखिया का नाम, ये तो पहले से भी जानते थे, अब मुखिया के जन्मतिथि का वर्ष यानी कि मुखिया का जो जन्मतिथि है उसको भी आपको यहाँ पर डालना अनिवार्य है, मुखिया का मोबाइल नंबर भी डालना अनिवार्य है, मुखिया के पहचान का प्रकार, उसके बाद जो पहचान यहाँ पर आप दर्शा रहे हैं उसका संख्या, यानी कि अगर आईडी जो है वोटर आईडी दर्शा रहे हैं तो वोटर आईडी का नंबर, अगर आधार दर्शा रहे हैं तो आधार का नंबर यहाँ पर डालना अनिवार्य है, बाकी सब सेम है जिस प्रकार आप पहले करते थे। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, परिवार में कुल युग दंपतियों की संख्या, घर में कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या, ये सेम वही उसी तरह से है। ठीक है, सेम उसी तरह से है। अब चलते हैं थोड़ा बच्चों की विवरणी की तरफ, वो देख लेंगे। अब ये गर्भवती महिलाओं की विवरणी है। ठीक है, अब गर्भवती महिलाओं की विवरणी में देखिए इसमें कोई अपडेट तो नहीं है, फिलहाल सेम वही है पहले जैसा था। ठीक है, तो इसको भी आप पहले से ही जानते थे। अब बच्चों की विवरणी में देखिए, बच्चों की विवरणी में कोई खास अपडेट नहीं है, सेम उसी तरह से है जैसे पहले था, तो इसमें भी कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी लास्ट वाला ये अपडेट है सिर्फ कि मेहमान लाभार्थियों की विवरण जो है आपको भरने के लिए दिया गया है, अगर कोई मेहमानी से भी आता है आपके क्षेत्र में, मेहमानी आता है तो उनका भी नाम अब आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो इस तरह से आप अपने सर्वे परपत्र को बड़े ही ध्यान से रखते हुए नियम पूर्वक आप जो है अपने सर्वे परपत्र को बना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को पता होगा कि हम इसी तरह आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।